good morning students welcome back in our video students now we are going to continue chapter 8 water scarcity and conservation of water in last video we have discussed different factors causing shortage of water and in this video now we will discuss need for conserving water water conserve karne ki वाटर इज द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स इट इज प्रीसी वाटर जो है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए नेचर का एक गिफ्ट है और ये बहुत प्रीसीस गिफ्ट है बहुत कीमती गिफ्ट है If we continue to waste our water resources carelessly, a time can come when there will be no enough water for all of us. अगर हम ऐसे ही लापरवाही से वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट करते जाएंगे तो एक ताँग एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और हमारे ड्रिंक करने के लिए भी वाटर नहीं बचेगा द क्रॉप्स कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन इरीगेशन मीन्स सिंचाई जो क्रॉप्स हैं फसल हैं वो बिना पानी की सिंचाई से वो डायम सूख जाएंगी मर जाएंगी ओके okay? जब क्रॉप्स में पानी ही नहीं आएगा इरिगेशन ही नहीं होगी तो वो सूख जाएंगी वी शुड देर फॉर मेक सिंसेर एफर्ट्स टू सेव वाटर नाउ सो दैट इट रिमींस अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर ऑल्सो डैट्स वाई हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए हमें ऐसे एफर्ट्स अपनाने चाहिए करने चाहिए सो so दैट हम वोटर को सेव कर सकें सो दैट हम फ्यूचर में भी वोटर को यूज़ कर सकें बिकॉज वी नो दैट वोटर की जो शॉर्टेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वोटर कम होता जा रहा है वोटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है डैट्स वाई हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए सो so दैट हमारे फ्यूचर के यूज करने के लिए भी वाटर बच जाए क्लियर स्टूडेंट्स वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूसेज एंड वेस्टेज प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज एंड मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन अगर हम वोटर का ओवर यूज़ ओवर यूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ करना और वोटर को वेस्ट करना बंद कर देंगे तो वोटर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर के लिए भी हम अपने वोटर को सेव कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वोटर वोटर का अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना उसको वेस्ट ना करना ओके और वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में वोटर को सेव करके रखना मेनटेन करके रखना डैट इज़ नोन एज वाटर कंजरवेशन वाटर कंजरवेशन मीन्स वोटर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना उसकी वेस्टेज को कम करना और उसके सोर्सेज को मैंटेन करके रखना डैट इज़ नोन एज वाटर कंजर्वेशन मीन्स हमें वोटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे बचा कर रखना चाहिए नाउ वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर हम वाटर को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं कौन कौन से वेज वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आर डेली लाइफ बाई एडोप्टिंग मेजर्स हम अगर अपने डेली लाइफ में कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे तो हम वाटर की वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं बचा सकते हैं नंबर वन टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट जब हम टैप यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद टैप को ऑफ़ कर देना चाहिए क्लियर नॉर्मली हम हैंड वॉश करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं जहाँ पर हम टैप का यूज़ करते हैं फ्रूट्स को वॉश करने के लिए तो आफ्टर यूजिंग टैप को अच्छे से ऑफ़ कर देना चाहिए सेकेंड डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स ब्रश करते हुए या फिर वॉशिंग हैंड्स हैंड्स को वॉश करते हुए टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए ओके okay? उसको ऑफ कर देना चाहिए डोंट कीप द टैप रनिंग कुछ पर्सनस कुछ ऐसे होते हैं कुछ चाइल्ड भी ऐसे होते हैं जो ब्रश करते वक्त उनकी जो टैप होती है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है रन करती रहती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए इससे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं होने देना हमें वेस्टेज को अवॉइड करना है थर्ड इज़ यूज़ अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टाइड ऑफ शावर हमें शावर में नहाने के बजाय मग और बकर से नहाना चाहिए सो लिमिटेड वाटर का यूज कर सके नहाने के लिए बात के लिए ओके वॉटर द प्लांट्स विद अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ पाइप हम अपने जो प्लांट्स होते हैं उनमें जब हम वॉटरिंग करते हैं पानी देते हैं तो मग और बकर से ही पानी देना जा देना चाहिए पाइप का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पाइप से और स्प्रिंकलर से बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता जाता है क्लियर नेक्स्ट इज टेक ओनली मच वाटर इन अ टम्बलर डेट यू कैन ड्रिंक डोंट थ्रो द लेफ्ट और वाटर इन सिंक इट ओवर प्लांट्स हमें ग्लास टम्बलर में उतना ही वाटर लेना चाहिए जितना हमने पीना हो ओके okay, मीन्स अगर हमने थोड़ा सा वाटर ही ड्रिंक करना है पीना है तो हमें फुल ग्लास नहीं लेना चाहिए ओके okay, फुल ग्लास ऑफ वाटर नहीं लेना चाहिए जितना वाटर हमें पीना है उतना ही लेना चाहिए और अगर इन केस अगर ग्लास में वाटर बच भी जाता है तो उसको सिंक में गिराने की बजाय उसको प्लांट्स में डालना चाहिए क्लियर डोंट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर इन सिंक पॉल इट ओवर प्लांट्स उसको प्लांट्स में डालना चाहिए नंबर सिक्स डोंट थ्रो अवे वाटर यूज फॉर वॉशिंग यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स राइस और पल्सिस यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स जो वेजिटेबल्स को राइस को और पल्सिस को वॉश करने के बाद जो वाटर होता है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको भी प्लांट्स में डाल देना चाहिए क्लियर नेक्स्ट इज गेट द लीकिंग पाइप एंड टैप्स रिक्वाय रिपेयर इमिडिएटली अगर हमारे घर में कोई पाइप या टैप लीक करता है लीकेज होती रहती है वाटर की उसमें से तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए इमिजिएटली मीन्स जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पाइप लीक कर रहा है देन उसी टाइम प्लम्बर को बुलाकर उसको रिपेयर करवाना चाहिए सो दैट वाटर की वेस्टेज ना हो स्टूडेंट्स इन सभी वेज को अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हम सभी मिलकर बहुत सारे वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे